सो दैट डेट है आज का 31 अक्टूबर। जस्ट अभी मार्केट खत्म हुआ है, बहुत ही डेडली साइडवेज मार्केट था आज का। इतना मजा ही नहीं आया बिल्कुल, आज ट्रेड करते हुए लग ही नहीं रहा था कि आज मंडे का दिन है, स्पेशली इतना अच्छा गैप अप खुलने के बाद। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बोरिंग सा मार्केट था आज, मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल ट्रेड करने में। यहाँ पर भी आज कुछ नहीं, लगभग मेरा ऑलरेडी लाइक प्लान तो था मेरा कि कम क्वांटिटी में मुझे ट्रेड करना है, तो लगभग लगभग 4-5 हज़ार के आसपास मैंने आज छोटा लॉस किया हुआ। मैंने आज के दिन पे मॉर्निंग हमने डिस्कस किया हुआ था, एक चीज़ तो ये श्योरिटी थी कि प्लान तो मेरा सही था, बट मार्केट ने आज कुछ खास मोमेंटम ही नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर पैसा नहीं कमा पाया। वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, एंड तक देखिए वीडियो। मॉर्निंग हम लोगों ने डिस्कस किया किया था टेलीग्राम के ऊपर कि बॉस ये है हमारा सपोर्ट लेवल, हमको दिख रहा है इस पर की लेवल्स, और ये है हमारा काइंड ऑफ रिजेक्शन लेवल जहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत टर्न अराउंड यहाँ से कर सकता है। इसके साथ मैंने ये चीज़ कही थी कि बॉस कहीं ना कहीं मार्केट जो है, एक मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो मैंने कमेंट किया था, वो कैसे कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया था, इसको हम लोग रीसेट कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था टेलीग्राम पे कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, काइंड ऑफ रिजेक्शन जोन के आसपास ओपन हुआ है। आज का दिन हम ऐसे प्लान करेंगे कि मार्केट बाय ऑन डिप्स को प्लान करेंगे। क्यों? यहाँ रिजेक्ट किया, फेल, यहाँ रिजेक्ट, फेल, यहाँ रिजेक्ट हो गया, फिर अगेन नीचे की तरफ आया। अब ये क्या था? ये था चौथा अटेम्प्ट। तो मुझे लगा कि बॉस आज मार्केट गैप अप खुला हुआ है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है आज का आज। पर मार्केट ने क्या किया? डिप तो लगाया नीचे की तरफ, बट कुछ खास हम लोगों को अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। हम लोगों ने लगभग डिस्कस किया था 10 बजे के आसपास समवेयर अराउंड यहाँ, मार्केट ने डिप लगाया यहाँ पर, अगेन अपसाइड मोमेंटम। अब ये जो ये ब्रेकआउट दिया, इस पर कुछ हम लोग का सेटअप वगैरह नहीं बैठ रहा था। मैंने ट्रेड कहाँ लिया? मैंने ट्रेड लिया यहाँ पर। देखिए बाय ऑन डिप्स मैंने आपको बताया, मैंने खुद भी बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मैंने यहाँ पर प्लान किया था। ये लेवल से ब्रेकआउट आया, साथ में बॉटम से लेके टॉप तक मैंने फिबोनाची लगा के देखा, 38.2% के आसपास का यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। प्लान मेरा सिंपल था, फ्राइडे के दिन पे अच्छा पैसा मैंने ऑलरेडी मार्केट से निकाला, तो फ्राइडे को ही मैंने डिस्क्लोज कर दी थी चीज़ पे कि मैं मंडे के दिन पे कम क्वांटिटी से ट्रेड करने वाला हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंड ही दिखा मार्केट तो प्रोबेबिलिटी है कि मैं फिर अच्छी क्वांटिटी से काम कर सकता था, बट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा था। मोमेंटम बहुत स्लो दिख रही थी, हर कैंडल पर आपको लगभग विक टू विक दिख ही रहा था, तो उसका पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, अगर इस लेवल्स को क्रॉस कर देता उसके बाद फिर ब्रेकआउट वगैरह कहीं ना कहीं मार्केट देता तो मैं प्लान करता, शायद मैं दूसरा भी ट्रेड लेता या क्या, बट ऐसा भी नहीं किया मार्केट ने, तो कुछ चांस ही नहीं दिया। प्लस ऊपर से मेरा मूड भी थोड़ा कम था, कम क्वांटिटी में काम करना था, तो इस ब्रेकआउट मैंने ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस मैंने प्लान किया था लगभग यहां पर 25 पॉइंट्स के आसपास। मार्केट ऊपर गया, मेरा 1:2 अचीव नहीं हुआ, अगेन मेरे कॉस्ट के आसपास आया, अगेन यहां पर देखो लगभग लगभग मुझे 1:2 मिलने वाला था, बट वो नहीं मिला। रिजेक्शन जोन, मुझे लगा कि बॉस यहां से रिजेक्ट किया उसने, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस अटेम्प्ट पे तो अच्छे से चलेगा, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आ रहे थे, बट मार्केट का आज मूड थोड़ा कुछ और दूसरा कुछ था, उस हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ आया। मेरे स्टॉप लॉस से पहले मैंने एग्जिट किया। क्यों किया? मैंने समवेयर अराउंड आई थिंक इस लेवल्स के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों किया वो मैं आपको समझाता हूँ। जनरली मैं अपने स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट नहीं करता हूँ, बट कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी, उससे मुझे लगा कि बॉस मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, छोटा लॉस होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी आज मेरा मूड कम ही है ट्रेड करने का। ट्रेड मैंने यहाँ लिया, लगभग स्टॉप लॉस था मेरा 25 पॉइंट्स के आसपास, सॉरी मैंने ट्रेड लिया यहाँ पर लगभग 25 पॉइंट्स के आसपास मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड, अगर मैं कैलकुलेटिंग रफ आपको आइडिया बताऊँ तो समवेयर अराउंड इस लेवल्स के आसपास मेरा स्टॉप लॉस आता था 25 टू 30 पॉइंट्स के आसपास, जो मैंने प्लान किया था। एग्जिट किया मैंने इस लेवल्स पे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बॉटम से, थोड़ा सा हम नीट एंड टाइडी रखते हैं यहाँ पर, बॉटम से लेके ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर, देखो ये था सपोर्ट लेवल, सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, अब इसने दे दिया यहाँ पर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन भी कैसे दिया हुआ है? चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि बॉस अगर इसने यहाँ पर, और ज़्यादा ऊपर की तरफ वो नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर लोगों को ट्रैप करते हुए नीचे की तरफ आया, कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर वो ब्रेकडाउन देते हुए आज का जो लो है वो भी फिर टेस्ट कर सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये लेवल्स के आसपास समवेयर अराउंड मैंने इसको दोनों को एग्जिट कर दिया। क्वांटिटी भी 2,000 ही रखा था मैंने, वैसे जनरली लॉस होता तो मेरा लगभग लगभग 40,000 के आसपास का मेरा प्लान था, उससे ज़्यादा मैं मार्केट को नहीं देने वाला था। इस लेवल्स के आसपास मुझे देखा कि बहुत पॉसिबिलिटीज हैं और मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ये दिख रहा है जिस हिसाब से इतनी बार टचेस हो चुके हैं, उसके बाद जाके ये ब्रेकडाउन दे रहा है, ऊपर लोगों को ट्रैप करते हुए आया है, रिजेक्शन जोन को क्लियर आउट नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी थी या तो ये नीचे जाएगा या तो ये कहीं ना कहीं साइडवेज होते हुए ऊपर तो जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम दिख रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे लॉस के आसपास ही निकाल दिया।
अब आगे का जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली इन बैंक निफ्टी में मेरा थोड़ा ध्यान ज़्यादा है। अर्ली चार्ट्स के ऊपर आते हैं ट्रेडर्स, देखिए इस लेवल्स के आसपास ये है एक रिजेक्शन जोन, ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन जोन, जो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ डिटेल जो अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रेस्ट टेलीग्राम के ऊपर जो भी है, मैं आपको पता है मॉर्निंग के अंदर जो जैसे मार्केट ओपन होता है उस हिसाब से मैं क्या डिसाइड करता हूँ, क्या सोच रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज अवर रिजेक्शन जोन, यहाँ रिजेक्ट किया, यहाँ रिजेक्ट किया। अब देखो मार्केट ने यहाँ पर ना काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया, लगभग कौन से डे से, 21 अक्टूबर से लेके आज 31 अक्टूबर भी हो गया, पूरा महीना खत्म हो गया, लगभग 10 दिन से, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5-6 दिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट ने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लिया है यहाँ पर टाइम। अगर हम बॉटम से लेके टॉप तक, ये बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची लगा के देखते हैं तो इसको अगर रिट्रेसमेंट करना है तो 23.6% के आसपास, अगर इसको ऊपर के जाना है तो 23.6% के आसपास आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो अभी तक जो मोमेंटम आया हुआ है ये आधा अधूरा है, इसका मोमेंटम आएगा ये ब्रेकआउट के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो लोगों की स्टॉप लॉस है वो हिट करने के बाद फिर हमको एक डिप पे बाय करने के लिए मिल सकता है। दो चीज़ें हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप भी खुलता है और 41,400 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है ऐसा, देन वी विल डिसाइड कि कितना गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुलने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं आधे पौने घंटे के, वो उसके बाद हम प्लान करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो भी हम प्लान करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि ये बन गया टॉप, फिर बना डिप, फिर ये बना यहाँ पर रिजेक्शन और फिर नीचे की तरफ, तो ये लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा 40,900 के आसपास, तो उसको इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगा अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता भी है तो, वो फिर हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ जो मुझे मार्केट में दिख रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक बार ट्राई हो गया, दो बार ट्राई हो गया, तीसरी बार, और आज भी उसने अपर लेवल्स के आसपास होल्ड किया, सेल ऑफ आया नहीं है। एंड वाले कैंडल्स भी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो सेल ऑफ आया नहीं है, आना चाहिए था अगर उसको रिजेक्शन करना है। इनफैक्ट लास्ट में क्लोजिंग जो हुआ है वो रिजेक्शन लेवल्स के आसपास ही कहीं ना कहीं हुआ है, तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 41,400 के ऊपर निकलता है मार्केट तो एक आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है 400-500 पॉइंट भी आपको ईजिली वन साइड मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए। इस वीक में काफ़ी सारे ग्लोबल क्यूज़ हैं, काफ़ी सारे ग्लोबल न्यूज़ है, तो क्वांटिटी पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे दिन भी आएंगे गैप अप खुलने के बाद मार्केट जहाँ खुला है लगभग वहीं क्लोज होते हुए निकल जाएगा, तो ऐसे टाइम पे आपको अपने क्वांटिटी पे कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो पैसे कमाए हुए रहते हैं वो गवा देते हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।